थोर लव एंड थंडर का ट्रेलर अभी तक नहीं आया यार। इस मूवी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। जहां मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जिसकी इतनी हाइप है, उसका ट्रेलर लगभग 5 महीनों पहले आ गया था उसकी रिलीज डेट से, और यहां थोर लव एंड थंडर को 100 दिन से भी कम वक्त बचा है रिलीज होने में, और इसका कुछ भी अभी तक नहीं दिखा। हाँ, टॉय तो आ ही गए, और आज हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं टॉय के बारे में। तो जैसा कि टॉय सेट में हमें 3 थोर दिखाए गए हैं, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के भी कुछ कैरेक्टर दिखे हैं जैसे ग्रूट, स्टार लॉर्ड, और हमें गॉड द गॉड बिचर का भी एक टॉय देखने मिला। तो जो लोग गॉड द गॉड बिचर को नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि गॉड कॉमिक का एक बहुत खतरनाक कैरेक्टर है जो सभी गॉड को मारना चाहता है, और क्योंकि थोर भी एक गॉड है तो इसीलिए वो थोर के पीछे भी हाथ धोकर पड़ा रहता है, और इसकी पूरी ओरिजिन हमें थोर लव एंड थंडर में ही दिखाई जाएगी। तो यार गॉड के बारे में जैसा कि मैंने बोला है काफी खतरनाक था, तो इसका लुक भी कॉमिक्स में वैसा ही था, और टॉय सेट में इसे देखकर कुछ खास तो लग नहीं रहा है, और टॉय को देखने के बाद ये गॉड कम और हैरी पॉटर वाला वोल्डेमॉर्ट ज्यादा लग रहा है। तो जैसा कि इन टॉयज को देखने के बाद लग रहा है ये मूवी में 3 थोर होंगे, जिसमें से पहला थोर क्रिस एवंसन वाला यानी कि एवेंजर्स वाला थोर, दूसरे नंबर पर माइटी थोर होगा, सॉरी होगी, जो कि जेन फोस्टर होने वाली है, और ये माइटी थोर के हाथ में ये म्योनर क्या कर रहा है। इस हैमर को थोर रैग्नारोक में हेला ने पूरा के पूरा तोड़ दिया था, तो ये इसमें आया कैसे होगा। तो यार एक पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे एंड गेम में थोर पास्ट में जाकर अपना हैमर ले आता है, वैसे ही इसमें भी ले आए पास्ट में से, या फिर अगले यूनिवर्स में किसी थोर का उठाकर। तो अब बात करते हैं तीसरे थोर की, जो मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, और इसके बारे में कुछ लीक भी आए हैं। तो लीक में ऐसा बताया गया है कि थोर गॉड से बुरी तरीके से हारने के बाद दूसरे यूनिवर्स में जाकर थोर के वेरिएंट को ले आता है, जो कि थोर से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर तीनों एक साथ गॉड से लड़ते हैं और यार उसे हरा ही देते हैं। और यार ऐसी खबर आई थी कि 11 तारीख को थोर का ट्रेलर आने वाला है, पर आया नहीं, और अब मेरी मानो तो इसका इंतजार बिल्कुल मत करना। अब मुझे लगता है कि ये 6 तारीख को हमें थिएटर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता लगा है कि इसकी डबिंग अभी कंप्लीट हुई है, और यार बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा, और जब इनकी बहुत बड़ी पिक्चर आ रही है तो ये क्यों ऐसे ही ट्रेलर रिलीज कर ये उस बड़ी मूवी के साथ ही बताएंगे। तो यार चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।